हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक. वेलकम टू द पार्ट 18 ऑफ चैप्टर 2. एंड पार्ट 18 इज द लास्ट पार्ट ऑफ चैप्टर 2. ठीक है, तो इस पार्ट के अंदर हम करेंगे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. पिछले पार्ट के अंदर हमने आपको फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स बताया था, जिसके अंदर हमने कुछ रूल्स बताए थे, जैसे आवो प्रिंसिपल हो गया, एन प्लस एल रूल हो गया, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हो गया, हॉर्न्स मल्टीप्लिसिटी प्रिंसिपल हो गया. ठीक है, तो इन सभी रूल्स को यूज करते हुए हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं. तो व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज द अरेंजमेंट ऑफ, या आप कह सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस in various orbitals. ठीक है, जब हम orbitals के अंदर इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं न्यूक्लियस के चारों ओर, तो उसको क्या बोलते हैं? हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं. ठीक है, तो हर एक एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम तीन तरीके से शो कर सकते हैं. एक तो आता है एस ए पी बी डी सी, इस तरीके की नोटेशन होती है. और एक होती है बॉक्स नोटेशन. थर्ड होती है शॉर्ट हैंड कॉन्फ़िगरेशन. ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं एसपीडीएफ की. ठीक है, तो अगर हम जर्नल इसके बात करते हैं सेल वाइज, सेल के फॉर्म में, तो आपके पास जैसे क्या है, 1H है, एच ई है, लिथियम हो गया, बेरिलियम हो गया, बोरोन हो गया, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया. ठीक है, इस तरीके से है. तो यहाँ पर आप इसके लिए क्या लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं, इसके लिए 2 लिख सकते हैं, इसके लिए 2, 1 लिख सकते हैं, इसके लिए 2, 2 लिख सकते हैं, 2, 3 आ सकता है, 2, 4 आ जाएगा, 2, 5 आ जाएगा, 2, 6 आ जाएगा. तो ये तो हो गया सेल नोटेशन. लेकिन अगर इसको हम सब सेल नोटेशन में लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे 1s1, इसको लिखेंगे 1s2, इसको लिखेंगे 1s2, 2s1, ठीक है, इसको लिखेंगे 1s2, 2s2, इसको लिखेंगे 1s2, 2s2, 2p1. ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं सेकंड सेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन थे, तो सेकंड सेल ये हो गई आपकी, 2 में 1 है और इस वाले 2 में भी 1 है. तो ये दो दो जो आ रहा है, इसका मतलब ये क्या है कि ये जो सब सेल है एक ही सेल के हैं. ये आपका जो नंबर होता है किसी भी सब सेल के आगे, वो क्या बताता है? आपको सेल नंबर बताता है. ठीक है, कार्बन के लिए क्या लिख सकते हैं हम? 1s2, 2s2, 2p2. ठीक है, नाइट्रोजन के लिए क्या लिख सकते हैं हम? 1s2, 2s2, 2p3. ठीक है, और ऑक्सीजन के लिए क्या लिख सकते हैं हम? 1s2, 2s2, 2p4. ये तो हो गया सेल रिप्रेजेंटेशन, और ये हो गया आपका सब सेल रिप्रेजेंटेशन. अब हम बात करते हैं, ये आपका सब सेल वाला हो गया, और यहां पर हम बात करते हैं बॉक्स नोटेशन. ठीक है, ये तीनों जो आपकी नोटेशन है वो एक साथ चलती रहेंगी. जैसे आपको पता है एस ऑर्बिटल में सिर्फ एक, और एस सब सेल के अंदर सिर्फ एक ऑर्बिटल होता है. तो यहाँ पर इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज, एक एंटी क्लॉकवाइज. यहाँ पर ये क्या है, इसमें लिखेंगे 1s, ये 1s, ये 1s, और ये वाला क्या हो गया, 2s हो गया. तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है. तो ये हो गया आपकी बॉक्स नोटेशन. तो बॉक्स नोटेशन भी आपको आनी चाहिए. ठीक है, आ रहा है समझ में? उसी तरीके से यहाँ पर हम करेंगे इसका. ठीक है, यहां पर 1s, ये 2s, यहां पर हम करेंगे इस तरीके से. ठीक है, ये 1s हो गया, ये 2s हो गया, ये 2p हो गया. इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, यहां पर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन. ठीक है, ये इस तरीके से 1s हो गया, ये 2s हो गया, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन. p के अंदर ये हॉर्न्स मल्टीप्लिसिटी वाला प्रिंसिपल फॉलो करेगा, जब तक कि हर एक ऑर्बिटल में, किसी भी सबसेल के हर एक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं आ जाएगा, तब तक हम पेयरिंग नहीं कर सकते.
ठीक है, तो हमें सब सेल देखनी होती है, सेल नहीं देखनी होती। ठीक है, ये 1s हो गया, 2s हो गया, इसके अंदर यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन आ गए 2p। अब हम किसके लिए लिखेंगे, यहाँ पर ऑक्सीजन के लिए लिखेंगे। ऑक्सीजन में अब यहाँ पर आप देख रहे हो यहाँ पर क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन है, तो पहले तो ये सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा और फिर इसके अंदर पेयरिंग हो जाएगी, दैट इज 2p। और ये आपका 2s हो गया, ये 1s हो गया, इसके अंदर दो दो इलेक्ट्रॉन ऐसे ही चलते रहेंगे। तो इस तरीके से आप ये आपको 30 एलिमेंट्स तक लिखने हैं, वो अभी हम लिखेंगे यहाँ पर। जैसे फ्लोरीन का क्या हो गया, 9 हो गया। ठीक है, फ्लोरीन के बाद आता है नियोन 10, नियोन के बाद आता है सोडियम 11, उसके बाद आता है 12 पे मैग्नीशियम, 13 पर एलुमिनियम, 14 पर आपका आता है सिलिकॉन। ठीक है, अभी यहीं तक लिखते हैं, बाकी इधर लिखेंगे हम। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे 2 7 2 8, 2 8 वन थर्ड सेल के अंदर चला गया, 2 8 2, 2 8 3, 2 8 4। ठीक है, इसके अब हम सब सेल नोटेशन लिखेंगे तो ये आएगा 1s2, 2s2, 2p5। ठीक है, 1s2, 2s2, 2p6, ये आएगा 1s2। तो ये आपको पता होनी चाहिए कि सब सेल के अंदर इस तरीके का कन्फिग्रेशन होता है। ठीक है, 2 8 8 18 टाइप वाला। ठीक है, और सब सेल के अंदर पहले अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो 1s1, दो है तो 1s2, तीन है तो 1s2 एंड 2s1। ठीक है, तो सेकंड सेल में पहले s आता है फिर p आता है, जैसे कि हमने आउबा प्रिंसिपल में पढ़ा था कि जो किसी भी एटम के ग्राउंड स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन एटम के जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में फिल किए जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये आएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। ये आएगा आपका 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। ये आएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1। ये आएगा आपका 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2। ठीक है, यहाँ पर ऑर्बिटल नोटेशन बनाएंगे हम इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, यहाँ पर पहले एक एक आएगा फिर इसमें डबलिंग होगी, 1s, 2s, 2p। या तो आप यहाँ पर पहले लिख दें इस तरीके की नोटेशन, यहाँ पर नेक्स्ट क्या आएगा, ये बॉक्स नोटेशन है। ठीक है, बॉक्स नोटेशन नेक्स्ट। यहाँ आगे 3s, 2p, 2s, 1s। यहाँ पर ये कंप्लीटली फिल्ड हो गया, और यहाँ पर सॉरी यहाँ पर अभी नहीं है, अभी इसमें आएगा आपका जो आएगा इसमें आएगा, क्या आएगा, ठीक है, ये आ गया आपका 1s, ये 2s, ठीक है, ये 3p, सॉरी 2p है ये, और ये 3s, दैट इज 1 इलेक्ट्रॉन है इसमें। सिमिलरली इसका आएगा आपका, फिर इसका आएगा, फिर इसका आएगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर पहले ही आपके ऑर्बिटल्स बना दिए हैं, तो यहाँ पर आपको लिखना है 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3s, 2p, 2s, 1s, 1s, 2s, 2p, 3s, 3p। ठीक है, इसमें अब इलेक्ट्रॉन फिल कर दो आप। ठीक है, इसमें दो आ गए, इसमें एक आ गया, इसमें दो आ गए, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। ठीक है, इस तरीके से।
तो इस तरीके से क्या होता है, अल्टरनेटिव पेयर जैसे जैसे आगे इलेक्ट्रॉन आते रहते हैं वो इस तरीके से फिल होते रहते हैं। ठीक है, नाउ वी विल टॉक अबाउट द नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ 15 पर कौन सा आता है आपका, फॉस्फोरस आता है। ठीक है, तो फॉस्फोरस के लिए क्या करेंगे हम, फॉस्फोरस के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखते हैं। तो इस तरीके से ये चलता रहेगा, आपको ये कहां तक लिखने हैं, 30 तक लिखने हैं। ठीक है, आइए देखते हैं, या मैं कंप्लीट करके देता हूं आपको, ये आपको कंप्लीट लिखने हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे 15 फॉस्फोरस, ये कितना होता है 285, इसमें क्या आता है ये 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3। ठीक है, ये आपको लिखना है, ये तो हो गया सेल नोटेशन, ये हो गया सब सेल नोटेशन। ठीक है, 16s, इस तरीके से चलता रहेगा। मेंस ये आप लिख दो कि यहाँ 6 हो जाएगा। 17 पर क्लोरीन हो गया, 18 पर आर्गन हो गया, 19 पर पोटेशियम हो गया, 20 पर कैल्शियम हो गया, 21 पर कौन सा हो गया, स्कैंडियम हो गया, 22 पर टाइटेनियम हो गया, 23 पर वैनेडियम हो गया, 24 पर क्रोमियम हो गया, 25 पर क्या हो गया, मैग्नीज हो गया, 26 पर आयरन हो गया, 27 पर कोबाल्ट हो गया, 28 पर निकल हो गया, 29 पर कॉपर हो गया, 30 पर जिंक हो गया। ठीक है, इन सब की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखेंगे तो क्या आएगा, 286 आ गया, 287 आ गया, 288 आ गया, 2881 आ गया, 2882 आ गया, 2883 आ गया, ये कितना आ जाएगा, 2884 आ जाता है, यहाँ पर 2885 आ जाता है, 2886 आ जाता है, 2887 आ जाता है, 2888 आ जाता है, यह आ जाता है 2889 आ जाता है, 2810 आ जाता है, 2811 आ जाता है, 2812 आ जाता है। ठीक है, तो जब हम इनकी नोटेशन लिखते हैं तो ये आप देखेंगे कि भाई यहाँ पर ये इस तरीके से आता रहेगा, ये 3p4 हो जाता है, 3p5 हो जाता है, 3p6 हो जाता है, ये इस तरीके से है। ठीक है, ये इसके लिए है, ये इसके लिए है, इसके लिए क्या आएगा, पहले क्या आता है, जैसे के लिए क्या आएगा, यहां पर पहले आपके 4s1 आ जाता है, यहां पर 4s2 आ जाता है, उसके बाद क्या होता है, हाँ भाई पहले 4s क्यों भरा गया, 3d क्यों नहीं भरा गया, 3d और 4s में सबसे पहले कौन भरा जाता है, 4s भरा जाता है, क्यों, क्योंकि इसके लिए n प्लस एल मीन्स 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5 हो गया, यहाँ पर 4 प्लस 1 इज इक्वल टू, 4 प्लस 0 इज इक्वल टू क्या हो गया, 4 हो गया, तो इसलिए n प्लस एल की वैल्यू 4s के लिए कम है, तो इसके लिए हमने 4s ऑर्बिटल पहले भरा जाता है। ठीक है, इस तरीके से, तो ये आपको ध्यान रखना है, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है तो इसी से होगा, तो अब s में तो 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो इसके बाद कैसे भरा जाता है, आप इसको इस तरीके से लिखो, 4s2 3d1। ठीक है, इसके लिए आ जाता है 4s2 3d2 आ जाता है, इसके लिए आ जाता है 4s2 3d3 आ जाता है, लेकिन क्रोमियम के लिए क्या आता है, 4s1 3d5 आता है। ठीक है, ऐसा क्यों आता है भाई, इसको हम बताएंगे अभी। एक तो क्रोमियम का इसमें 4s2 3d6 आता है, सॉरी 5 आता है, यह आएगा आपका 4s2 3d6 आएगा, यह आएगा 4s2 3d7 आएगा, यह आएगा आपका 4s2, ये आपको सारे लिखने हैं यहाँ पर, 3p से आगे, 3p से आगे पहले के ये लिखे हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर आएगा 3d8 आएगा, यहाँ पर आएगा ये 4s1 3d10 आएगा, और ये आएगा 4s2 3d10 आता है, तो यहाँ पर इसमें
वन कैसे चला गया? मैं सभी में 4s2 4s2 था, लेकिन क्रोमियम और कॉपर के लिए ये चेंज हो जाता है। तो हम बात करेंगे इनके लिए। बाकी आपको ये सारे बनाने हैं, ऑर्बिटल बॉक्स टाइप नोटेशन भी बनानी है, सब सेल नोटेशन भी बनानी है और सेल नोटेशन भी बनानी है इस तरीके से। ठीक है, तो हम बात करते हैं कि जो क्रोमियम होता है और कॉपर होता है, उसके जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन होता है वो इतना मतलब अलग क्यों आता है? सभी में 4s2 3d से चल रहा था, लेकिन यहाँ पर 4s1 3d5 हो गया और यहाँ पर 4s1 3d10 हो गया। ठीक है, तो हम बात करते हैं यहाँ पर किसकी, क्रोमियम की और कॉपर की। ठीक है, क्रोमियम की और कॉपर की बात करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, आपको पता है यहाँ पर एक दो एक रीजन आता है कि हाफ फिल्ड और कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो ज्यादा स्टेबल होते हैं। उनका रीजन क्या है, एक तो उनका जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है वो ज्यादा होता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है। ठीक है, उनका स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होता है, इसलिए वो ज्यादा स्टेबल होते हैं। ठीक है, तो अभी आपको सिर्फ दो रीजन पता लगाने हैं कि वो इस तरीके से स्टेबल कैसे हो गए। ठीक है, तो आप बताएंगे कि जो क्रोमियम होता है, क्रोमियम 24, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d5। ठीक है, ये आता है इसका इस तरीके से कैसे आ गया। अगर इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं हम, इलेक्ट्रॉन जो रिमूव होते हैं वो किससे होंगे, आउटर मोस्ट सेल। आउटर मोस्ट सेल कौन सी, इसमें 4s, तो पहले 4s से इलेक्ट्रॉन रिमूव होते हैं। लेकिन हम बात करते हैं कि यहाँ पर ये 4s मान लो और ये 3d जिसके अंदर 5 ऑर्बिटल है, तो यहाँ पर आप देखेंगे ये क्या है, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसी वजह से, और जब सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो ये किसी के भी साथ भी अपनी पोजीशन चेंज कर सकते हैं क्योंकि सारे एक जैसे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, जो एक्सचेंज एनर्जी होती है, एक्सचेंज एनर्जी वो बहुत ज्यादा हाई हो जाती है बिकॉज ऑफ द सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। दैट्स वाई हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम 29 कॉपर का देखें तो वहां पर क्या होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d10। तो अगर हम यहाँ पर ऑर्बिटल डायग्राम देखें 4s का, तो ये 1 हो गया, हाफ फील्ड है, लेकिन d के अंदर क्या है, ये फुल्ली फील्ड है, 10 इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर। ठीक है, तो ये क्या हो गया, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अभी अपनी पोजीशन किसी के भी साथ क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो हम कहेंगे कि भाई जो हाफ फील्ड या फुल्ली फील्ड ऑर्बिटल्स जो होते हैं किसी भी सबसेल के अंदर, वो क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। ठीक है, या आप कह सकते हैं कि जो एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है क्रोमियम का और कॉपर का, वो क्यों अलग होता है, क्योंकि वो हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अटेन कर लेते हैं, क्योंकि हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, ज्यादा स्टेबल होते हैं। तो इनकी जो स्टेबिलिटी होती है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, एक तो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड हाई एक्सचेंज एनर्जी। ठीक है, इन दो फैक्टर्स की वजह से जो आपके हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड ऑर्बिटल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं। ठीक है, तो क्रोमियम का और कॉपर का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बात समझ में। और हमने बताया है
कि अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है तो वो किससे रिमूव होता है, पहले 4s से। जैसे आपको लिखना है Cu2 पॉजिटिव आयन की कन्फर्मेशन लिखनी है, तो Cu में कितने है? ये हैं, तो Cu2 पॉजिटिव का मतलब है कि इसमें से कितने हो गए, 29 माइनस 2 इज इक्वल टू 27 इलेक्ट्रॉन हो गए इसमें। तो 27 के लिए क्या आएगा, 1s2, 2s2, पहले इसमें से जाएंगे इलेक्ट्रॉन, फिर डी में से जाएंगे, तो ये आएगा 2p6, 3s2, 3p6, 3d, एक इसमें से चला गया और एक तो यहां से चला गया और एक यहां से, ये आएगा 3d9। ठीक है, इस तरीके से आगे समझ में। अगर आपसे 30 से लेकर या डी ऑर्बिटल 4s और 3d वाले और जो एलिमेंट्स हैं जैसे 21 टू लेकर 30 तक, उनमें से अगर कोई भी कैटायन की आपसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन लिखवाई जाती है, जो जो इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं पहले रिमूव होंगे वो 4s से रिमूव होंगे, उसके बाद 3d से रिमूव होते हैं। ठीक है, आगे समझ में। अब हम दो टर्म्स पढ़ेंगे, एक कोर इलेक्ट्रॉन और एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कोर इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, जो द इलेक्ट्रॉन या फुल्ली फिल्ड, जो फुल्ली फिल्ड सेल्स होते हैं या ऑर्बिट्स होते हैं, उनके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं, हम कोर इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ठीक है, और जो आपके आउटरमोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ठीक है, तो एक तो हमने स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड और फुल्ली फिल्ड आपको बता दिया, इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन आपको बता दिया, बस आपके पास क्या रहता है, शॉर्ट हैंड नोटेशन रहती है। ठीक है, कि शॉर्ट हैंड नोटेशन क्या होती है, शॉर्ट हैंड नोटेशन के बारे में हम बात करेंगे। पहले हम आपको दो चीजें बता देते हैं, यहां पर दो चीजें कौन कौन सी हैं, जैसे कोर इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स ऑफ फुल्ली फिल्ड सेल्स। ठीक है, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन ऑफ आउटर मोस्ट सेल। जैसे आपके पास क्या है, Na है, इसको क्या लिखते हैं हम, 1s2 या इस तरीके से 281। तो ये क्या है, ये फुल्ली फिल्ड है, तो इसके अंदर कोर इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, कोर इलेक्ट्रॉन हो गए 2 प्लस 8 इज इक्वल टू 10, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए जो आउटर मोस्ट सेल में होते हैं, दैट इज 1। ठीक है, इस तरीके से जैसे आपके पास आ गया नियोन, नियोन में 10 होता है, तो ये होता है 1s2, 2s2, 2p6। ठीक है, ये होता है, तो ये 10 हो गए, इसमें ये वाली सेल भी कंप्लीटली फिल्ड है, 8 इलेक्ट्रॉन है और फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली फिल है, तो कोर इलेक्ट्रॉन कितने हो गए इसमें, 2 प्लस 8 इज इक्वल टू 10, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए इसमें आउटर मोस्ट सेल के, ये वाले सेल के, तो ये हो गए 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 8। ठीक है, तो इस तरीके से आप बता सकते हैं। अब हम बात करते हैं शॉर्ट हैंड इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन। तो शॉर्ट हैंड इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन होती है, जैसे कोई भी आपको पता है कि कुछ एलिमेंट हैं, जैसे HE हो गया, NE हो गया, AR हो गया, तो इनके जो सेल्स होती हैं वो फुल्ली फिल्ड होती हैं। ठीक है, तो अगर हम इस तरीके की किसी भी ऑर्बिटल्स की देखें, जैसे NA की देखें, क्या आती है, 281 आती है, तो जो 28 है वो किसको डिनोट करता है, NE को डिनोट करता है। तो इसकी जो शॉर्ट हैंड नोटेशन है या शॉर्ट हैंड इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन जो है वो हम कैसे लिख सकते हैं, Na इज इक्वल टू 28 किसके लिए हो गया, Ne के लिए हो गया। ठीक है, Ne के लिए हो गया, Ne के लिए हो गया, तो यहां पर क्या आएगा, ये 28 तो हो गया Ne के लिए, Ne। ठीक है, ये 2 के लिए हो गया और इसके लिए आ गया 3s1, क्योंकि ये फर्स्ट सेल और सेकंड सेल 3 सेल का बचा, उसके लिए 1 आ गया। जैसे हम बात करते हैं क्रोमियम, क्रोमियम के लिए क्या आता है, 2, 8, 8, 24 होता है ये। ठीक है, 18 हो गया और 18 और 6, 6 आ गया। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, 288 किस में आ रहा है, आर्गन में आ रहा है, तो क्या लिख सकते हैं हम, Cr इज इक्वल टू Ar, थर्ड सेल कंप्लीट हो गई, 4s,
ये आपको पता ही है, इसमें वन होता है और थ्री डी फाइव, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो शॉर्ट हैंड नोटेशन के अंदर हम क्या लिखते हैं, शॉर्ट हैंड नोटेशन के अंदर हम उस एलिमेंट से जो जस्ट पहले वाली जो फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन वाली नोबल गैस होती है उसको लिख देते हैं, उसके बाद उसके आने वाले सेल का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख देते हैं। ठीक है, जैसे आपसे पूछा जाता है कि जो फास्फोरस का शॉर्ट हैंड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखो, तो आपको पता है फास्फोरस क्या होता है, 285 होता है, तो 28 किस में आ रहे हैं, नियोन में आ रहा है, तो आप लिखेंगे फास्फोरस एंड ई 3s 2 3p, दो यहाँ आ गए, पांच में से यहाँ कितने बचे, तीन बचे, तो ये आ गया आपका शॉर्ट हैंड नोटेशन ऑफ फास्फोरस। ठीक है, तो इस तरीके से आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख सकते हैं अलग अलग मीडियम्स में, सेल्स में, सब सेल्स में, बॉक्स नोटेशन में, शॉर्ट हैंड नोटेशन में, जो आपके एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है क्रोमियम और कॉपर का, वो भी हमने एक्सप्लेन किया। उसके दो रीजन होते हैं, एक होता है आपका सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, सेकंड होता है एक्सचेंज एनर्जी, ड्यू टू हाई एक्सचेंज एनर्जी एंड सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन हाफ फिल्ड एंड फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल, दैट्स व्हाई क्रोमियम एंड कॉपर शो द दिस टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको इसी तरीके से ये आपको मिलती रहे। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, थैंक यू।